बहुत ही सुंदर जगह है, सांप को पसंद आएगी। ये इस तरह से उल्टी तरफ झटपटा रहता है। अभी इसको हम यहाँ पर ऐसा खींच के ऐसा निकालेंगे तो ये बाहर जाएगा, इसको पता ही नहीं रहता कहाँ से बाहर आने का। ये निकल पड़ा बहुत ही सुंदर सांप, जो ईट के इसमें घर में घरों के बीच में पकड़ा था, इसको घने जंगल में हमने इसको आज़ाद किया है। गुड बाय दोस्त। बाले कुंदरी बोलते हैं, सन्न बाले कुंदरी मतलब छोटा बाले कुंदरी करके आता है। बेलगाम से तो 15 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन मेरे गांव से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर, और यहां पर ये पूरा राउंड मार के यहां पर सांप आया है। ईट है, ये निकालना पड़ेगा। और हल्का सा मुझे यहां पर दिखाई दिया है, ये यहां पर दिख सकते अंदर है, ये देखिए हल्का सा दिखाई दे रहा है। गपुन आया, बाहर आया, हाँ आया, इधर हो, इधर हो। ये देखिए इस तरह से, इसका पूंछ लगभग 4 इंच ऐसा, इतना लंबा कट है, ऐसा बहुत सब में बता रहता है। तकरीबन 5 साल की उम्र का ये सांप, एक भी ईट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे तो 100-200 ईट थे, लेकिन उसको बैठने के लिए जो गैप था, देखिए कभी कभी सांप ओपन में है, उसको अगर पकड़ना है तो पूरी ओपन में जगह में सांप नहीं रहता, आपके आस पड़ोस में सांप आता है और उसको पकड़ने के लिए आप किसी को बुलाते रहते हैं, तो आने से पहले वो जा रहा है उस जगह पर, कुछ सामान जैसे कि घर में मैट है, चादर है, ऐसी कुछ चीज़ें फेंक सकते हैं जहाँ पर सांप छुप के बैठ सकता है। अब ये भी सांप पूरा राउंड मारा है, इन्होंने कहा मुझे, और ये ईट उसमें गैप था, उसमें वो आराम से लोगों को डर के बैठ गया और आसानी से मिल भी गया, क्योंकि काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि ओपन जगह पर वो पूरा गैप था और वहाँ से हम स्टिक डाले थे, जैसे आपने देखा। तकरीबन 5 साल की उम्र का बहुत ही हेल्दी सांप, जैसे कि आपने एरिया मैंने शुरुआत में दिखाया, ओपन जगह है, घास फैली हुई है, चूहे मेंढक अक्सर आते रहते हैं, तो सांप उनके पीछे रख के आपके आजू बाजू में आ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर था, बीच में बारिश भी आ रही थी, लेकिन उससे भी बहुत मायने रखता है कि सांप को अगर नहीं मारना है, बचाना आप तय करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कैसी जगह है और सांप रह सकता है, ये बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत ही ठंडे दिमाग से जब आप सांप पकड़ने वालों को बुलाते हैं, तो उनको सही बात बताकर और उनकी जानकारी सुनकर आप उनका वेट करना ज़रूरी होता है। कभी कभी इसके बावजूद भी सांप जाते हैं, लेकिन आपकी गलती से सांप ना जाए, और सही जानकारी पहुंचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जल्दबाजी में गलत फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मिस हो सकते हैं, ये भी बातें बहुत मायने रखती है। तो सांप पकड़ते वक्त, पकड़ने के लिए जब बुलाते हैं, तो सांप किधर है, क्या है, ये ठंडे दिमाग से बिना डरे हुए आपको बताना ज़रूरी है। हालाँकि लोगों में डर रहता है, बात सच है, लेकिन डर से कुछ नहीं होने वाला। जब ज़्यादा इंसान डरते हैं तो सांप ही नहीं मिलती, क्योंकि वो गलत जानकारी देते हैं। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती है। और यहाँ से आपने एक बात और भी शेयर की, ये देखिए इसकी पूंछ भी कट है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा हेल्दी सांप है, आसानी के साथ मिल गया। यहाँ पर जो बुलाया उनको शुक्रिया अदा करेंगे, साथ में इतना सुंदर सांप बाहर आया, आसानी से मिला, उसका शुक्रिया अदा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ये सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर इसी तरह से जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिलने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।